1 अप्रैल 1936 में बिहार बंगाल प्रांत से अलग उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई। बिहार तथा उड़ीसा सीमा के बंटवारे के साथ कई जनजातियां उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा के अंतर्गत आ गईं, जिसमें बिरहोर भी शामिल था। बिरहोरों का मुख्य पेशा बंदर पकड़ना रहा है, इसलिए उड़ीसा राज्य में इन्हें मनकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में भी इनका जीवन उठलुस ही रहा है। उड़ीसा में बिरहोर मुख्यतः मयूरभंज तथा क्योंझर जिला में निवास करते हैं। इसके अलावा सुंदरगढ़, संबलपुर, ढेंकानाल आदि स्थानों पर भी देखे गए हैं। बिरहोर का मुख्य पेशा रस्सी बनाना रहा है। सर्वप्रथम इन रस्सियों का उपयोग अपने लिए ही बंदर पकड़ने की जाल बनाने के लिए किया करते थे, पर समय के साथ साथ रस्सी बनाना इनका व्यवसाय बन गया। अपने ही हाथों द्वारा बनाए गए इस जाल को लेकर ये लोग जंगल में बंदर या अन्य जानवरों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। जंगल में रहकर ये आदिम जीवन जीने के लिए मजबूर थे। बिरहोर के उठलुस जीवन को देखकर मानव जीवन के आदिम सभ्यता का आभास सहज ही हो जाता है। पेट की आग बुझाने के लिए ये अन्य छोटे कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ते। इन कीट पतंगों को जमीन के अंदर से बाहर लाने के लिए एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं। जड़ी बूटी के आकर्षण में आकर ये कीट पतंगे जमीन के अंदर से बाहर निकल आते हैं और शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। बिरहोर के उठलुस जीवन को देखकर उड़ीसा सरकार ने 1987 में हिल खड़िया मनकड़िया विकास संस्थान की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना के साथ ही पहला प्रयास किया गया इन्हें कुंबा से निकालकर स्थायी जीवन में लाने का। इसके तहत इंदिरा आवास का निर्माण बिरहोरों के अपने ही वातावरण में किया गया। बिरहोरों ने जागी यानी स्थायी जीवन को शीघ्र ही अपना लिया। इस इंदिरा आवास में रखकर इन्हें इनके रस्सी निर्माण के पेशे से अलग नहीं किया गया। कल तक जिन बिरहोरों को रस्सी बनाने के लिए चोप छाल इकट्ठा करने में जंगलों की दर दर छान मारनी पड़ती थी, आज वही छाल इन्हें यहाँ रहकर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चोप छाल से न केवल रस्सी ही बनाते हैं, बल्कि इससे अन्य कई उपयोगी वस्तु भी बना लेते हैं। इन वस्तुओं में टोपा एक महत्वपूर्ण वस्तु है। टोपा का उपयोग तेल निकालने के काम में लाया जाता है। चोप छाल के अलावा सवई घास तथा सीसल से भी मजबूत रस्सी का निर्माण कर लेते हैं। इस कार्य में सारा परिवार सम्मिलित हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चे भी। पर बच्चा तो बच्चा ही है। सरकार ने इनके रस्सी बुनने की कार्य कुशलता को देखकर इन्हें रस्सी से जुड़े अन्य साजो सामान में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इनके बीच प्रशिक्षक रखे गए हैं, जो दिन भर इनके बीच रहकर मचिया, खटिया आदि की बुनाई में बिरहोरों को निपुण बना रहे हैं। बिरहोर अपने उठलुस जीवन जीने के कारण शर्मीले स्वभाव का रहा है। इसी कारण ये अन्य जातियों के संपर्क में कम ही आते रहे हैं, पर जागी जीवन में अब ये आत्मबल के साथ अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने हित में व्यवसाय का मार्ग खोल रहे हैं। इसका उदाहरण गांव के आसपास लगने वाले हाट बाजारों में देखने को मिलता है। बिरहोर इन हाट बाजारों में जाकर अपनी चीजें बेचते हैं और आवश्यकता की चीजें खरीदते भी हैं। हाट बाजार इनके मेल मिलाप का केंद्र बिंदु भी होता है, जहां ये अपने आचार विचार का आदान प्रदान भी करते हैं।
हिलखड़िया मनकड़िया विकास संस्था का एक सफल प्रयास मयूरभंज जिले के जसीपुर प्रखंड में दूर दूरा गांव में देखने को मिलता है, जहां ये बिरहोर इंदिरा आवास में रहकर भी अपने नियम धर्मों का पालन करते आ रहे हैं। इनके टंडा में प्रवेश करते ही समान रूप से बनाए गए इंदिरा आवास के बावजूद भी इनके मुखिया का घर आसानी से पहचाना जा सकता है। मुखिया के घर की अलग पहचान के लिए लोहे के छड़ में सांप की आकृति बनाकर गाड़ा गया है। दूरदूरा गांव का मुखिया यानी नाया के घर के पास ही पूजा स्थल बनाया गया है, जहां नाया समय समय पर गांव, समाज तथा परिवार के सुख की कामना अपने सिंह बोंगा से करता है। दूरदूरा गांव में नाया ही पाहन यानी पुजारी भी हैं। जन्म मरण, पर्व त्योहार, विवाह आदि सभी संस्कारों में नाया ही पूजा पाठ करवाता है। बिरहोर समाज में दो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, एक नाया, दूसरा मति यानी ओझा। मति का काम बीमार लोगों की झाड़ फूंक तथा जड़ी बूटी से इलाज करना होता है। मति जंगलों में जाकर कई प्रकार की जड़ी बूटियों तथा मरे हुए जानवरों की हड्डी को संग्रहित कर लाता है और बीमारी की पहचान के अनुसार इलाज करता है। दरअसल बिरहोर लोग आज भी अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। इनका मानना है कि किसी भी रोग शोक का कारण कोई न कोई भूत प्रेत डायन टोटका हो सकता है। मति द्वारा किए जाने वाले दवा या झाड़ फूंक के अलावा कुछ एक बीमारियों का इलाज ये अपने आप भी कर लेते हैं, जैसे सर में बराबर दर्द रहने पर भेलवा नामक बीज को इकट्ठा कर इससे निकलने वाले रस को मस्तक के सामने बिंदी की तरह चारों ओर लगा देते हैं। भेलवा रस इतना प्रभावशाली होता है कि उसे लगाते ही उस स्थान को जला देता है और इससे उस स्थान पर दाग पड़ जाता है। इंदिरा आवास में रहकर भी ये लोग अपनी लोक संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए हैं। हाँ, लोगों के संपर्क में आ जाने के बाद इनके प्राचीन लोक संस्कृति परंपरा में बदलाव जरूर आया है। बिरहोरों की विवाह प्रथा अपने आप में अजूबा है। विवाह की रस्म लड़की पसंद करने से ही शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम घर के तीन सदस्य वधू की तलाश में हाथ में छाता छड़ी लेकर निकलते हैं। छाता छड़ी ही वधु पसंद करने की एक रस्म है। वधु पक्ष को यदि रिश्ता पसंद होता है तो छाता छड़ी को स्वीकार कर घर के आंगन में रख देते हैं। छाता छड़ी को स्वीकार कर घर के आंगन में रखने की प्रथा को छड़ी धराई कहते हैं। फिर मेहमानों का पांव धोकर आदर के साथ आंगन में लाते हैं। घर पर आने वाले नए या विशिष्ट मेहमानों का स्वागत पैर धोकर ही किया जाता है। ऐसा मेहमानों को विशेष स्थान देने के लिए किया जाता है। मेहमानों को बंदर पकड़ने के जाल में बैठाया जाता है। बंदर पकड़ने के जाल बिरहोर का प्रतीक है। जाल को प्रत्येक शुभ कार्यों में साथ रखा जाता है। घर के आंगन में बैठकर रिश्ते की बात प्रारंभ की जाती है। बात आगे बढ़ने पर लड़की को मेहमानों के सामने लाया जाता है। प्राचीन रस्म के अनुसार लड़की को उसका भाई गोद में उठाकर लाता है, पर ये रिवाज यहाँ बदल गया है। लड़की अपनी सहेली के साथ मेहमान के सामने आती है। बिरहोर समाज में मुख्यतः अभिभावकों द्वारा पसंद किए गए विवाह को ही उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा लड़का लड़की जंगल में भाग कर विवाह कर लेते हैं, जिसे बाद में सामाजिक मान्यता दे दी जाती है। बिरहोर समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं होता है, बल्कि लड़की के एवज में लड़के वालों को ही कुछ नेक देना पड़ता है। लड़की वाले कहते हैं कि लड़की अब आपके सामने है, लड़की लंगड़ी है, अंधी है, जो भी है, आप लोग अच्छी तरह से जांच लें। लड़के वाले कहते हैं अब लड़की चाहे जो भी हो, हम उसे ले जाएंगे। हमारे नसीब में जो भी लिखा है वही स्वीकार कर लेंगे। इस बात को सुनकर लड़की शर्मा जाती है। रिश्ता तय हो जाने के बाद मेहमानों को हड़िया दारू पिलाई जाती है।
दारू के सेवन के पहले उसे देवताओं तथा पूर्वजों के नाम से चढ़ाया जाता है ताकि उनका भी आशीर्वाद वर वधु को मिल सके। दारू के बाद मेहमानों को खैनी खिलाने का भी रिवाज है। लड़की उठकर अपने होने वाले ससुराल वालों का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। रिश्तेदार भी आपस में मिलते हैं। लड़की तथा लड़की की माँ घर गांव के सभी सगे संबंधी को जोहार यानी नमस्कार करती है। छाता छड़ी लौटाकर मेहमानों को आदर सहित विदाई दी जाती है। वधु वालों की तरफ से स्वीकृति मिल जाने के बाद मेहमान छाता छड़ी स्वीकार कर खुशी से काते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब यही रिवाज वर वाले की तरफ से भी दोहराया जाता है। लड़की के पिता माँ तथा अन्य कोई सदस्य लड़के के घर आते हैं। वहाँ लड़के को पसंद किया जाता है। लड़का पसंद आ जाने पर विवाह की तारीख तय की जाती है। लड़का अपने प्रिय मित्र के साथ अपने होने वाले सास ससुर का आशीर्वाद लेता है। फिर छड़ी छाता आदर सहित लौटाकर मेहमानों को विदाई देता है। बिरहोरों में विवाह मुख्यतः उस वक्त किए जाते हैं जब घर में फसल आ जाती है और इन्हें कृषि कार्य से फुर्सत मिल जाती है। बारिश आने के साथ ही ये कृषि कार्य में लग जाते हैं। अच्छी फसल होना इनके जीवन में नई उमंग लेकर आता है और ऐसे ही समय ये पर्व त्योहार और विवाह जैसे रस्म निभाने में लग जाते हैं। विवाह तय किए हुए एक लंबा समय गुजर जाता है और ऐसे समय में विवाह को लेकर परिवार में कोई मतभेद पैदा हो जाए तो इसका फैसला पंच में ही लिया जाता है। इनके पंच के नियम कानून काफी सख्त होते हैं। नाया द्वारा किया गया फैसला सर्वमान्य होता है। लड़के द्वारा विवाह से मुकर जाने के बाद यह विवाद पंच में लाया गया है। पंच में नाया तथा उपनाया द्वारा दोनों पक्ष के संपूर्ण बात को सुनने के बाद फैसला लिया जाता है। फैसले में 11 रुपए से लेकर 100 तथा 1000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही फैसले को अमल भी करना पड़ता है। इन्हें सरकारी कोर्ट कचहरी तथा थाना पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ती बशर्ते जब तक कोई खून खराबे का मामला न हो। इस पंचायत में 11 रुपए जुर्माना तथा विवाह करने का फैसला लिया गया है। पंचायत के फैसले के साथ ही विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को आम के पत्ते से सजाया जाता है। लड़के के घर के आंगन में मड़वा बनाया जाता है। मड़वा वाले स्थान को गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। फिर सखुआ की डाली में आम तथा अन्य पत्ते डालकर मड़वा छानने की रस्म को पूरा किया जाता है। आजकल मड़वा को कपड़ों से भी सजाने लगे हैं। अब लड़के तथा उसके घनिष्ठ रिश्तेदार जो दामाद भी हो सकता है को मंडप में बैठाया जाता है। बारात चलने से पूर्व लड़के को उसकी बहनोई के साथ सजाया जाता है। यह कार्य लड़के की माँ करती है। लड़के की माँ लड़के तथा दामाद को तेल तथा कंघी लगाकर बारात के जाने की तैयारी करती है। इसके बाद लड़के की मां छुपकर जोहार करती है। बारात चलने से पहले उस स्थान पर गांव के देवी देवता तथा पूर्वजों की प्रार्थना की जाती है तथा लड़के के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। बिरहोर समाज में सर्वशक्तिमान देवता
सिंह बोंगा यानी सूर्य देवता को माना जाता है। इनका मानना है कि संसार की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। बारात चलने से पहले लड़के को छात्री दी जाती है, ऐसा वर के अलग पहचान के लिए किया जाता है। बारात लड़की के घर की ओर प्रस्थान करती है। बिरहोरों की प्राचीन विवाह रस्म काफी जटिल तथा रुचिकर है, जो अब देखने को नहीं मिलती। दूर-दूरा गांव में निभाए जा रहे विवाह रस्म में इनकी प्राचीन प्रथा बदलती नजर आ रही है। बारात में वर के आगे गांव का दिगुआर यानी चौकीदार तथा वर के पीछे घर का दामाद साथ होता है। बारात में लड़के की माँ भी साथ होती है। लड़की के घर बारात पहुंचने पर लड़की की माँ सभी मेहमानों का पैर धोकर तथा तेल लगाकर स्वागत करती हैं। पैर धोने तथा तेल लगाने की रस्म बारात में आए विशेष मेहमानों के लिए ही किए जाते हैं। वर को घर के आंगन में बैठाया जाता है। अब वधु को लाकर वर के पास बैठाया जाता है। वधु का पिता जो नाया भी है, उस स्थान पर देवताओं तथा पितरों की सिंदूर तथा चावल से पूजा करता है। घर, गांव और गोतिया वाले मिलकर हड़िया दारू पी नाचते गाते हैं। यूं तो गीत नृत्य का आयोजन हर तरह के खुशी त्योहार में करते हैं। आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि बोलना इनका गीत है और चलना ही नृत्य। तभी तो प्रत्येक शाम सभी कामों से फुर्सत मिल जाने के बाद गांव के अखरा में इकट्ठा हो नाचते और गाते हैं। अन्य कई रस्म निभाने के बाद वधु को लेकर वर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। बिरहोरों में सगोत्री विवाह वर्जित है। सदोर बापला यानी अभिभावकों द्वारा तय किया गया विवाह को शुभ माना जाता है। इसके अलावा नायना पाए बापला, उदरा उदरी बापला, किरिंग जोवाए बापला, गोलहट बापला और बेंग कढ़ी बापला प्रथा भी हैं, जो प्रचलित नहीं है। वर वधु के घर पहुंचने के बाद यहां भी कई महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाती हैं। वर वधु को मड़वा में बिठाकर उन पर पानी डाला जाता है। फिर वर की मां वर वधु का पैर धोती है। इसके बाद ही वर वधु को घर के अंदर प्रवेश मिलता है। सभी रस्में निभा लेने के बाद मड़वा को तोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। वर वधु अपने सभी बड़े बुजुर्गों तथा रिश्तेदारों को छुपकर जोहार करते हैं। अब इन नई जोड़ी को अपना परिवार चलाने की सामाजिक मान्यता मिल जाती है। इसके बाद घर गांव के लोग मिलकर खाते पीते और नाचते गाते हैं। इस उत्सव में वधू भी हिस्सा लेती है।
हिलखड़िया मनकड़िया विकास संस्थान ने बिरहोरों के दो गांवों में अपना सफल कार्यक्रम चलाया है और लगभग 17 टंडा की पहचान की है, जिसमें विकास कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। अपने विकास कार्यक्रम में घर के अलावा इन्हें बकरी, गाय, बत्तख जैसे पालतू जानवर दिए गए हैं। सिंचाई तथा मछली पालन के लिए तालाब भी बनवाए गए हैं। बंधटा किए करछि सरकार देछो आ कोन कोन देछंती आ ए हंसुड़ा देछे माछो बेच छरे देछे केते हंसो देछंती या 5 झण करछि ए बंधरे पानी पिउछो ना ना से नाडो रे एटन गाधवार पई होछि एटा ए बंधो आपादर तमन कर कोन किछ फायदा होछि ए बंधो रे हम माछो बे होछि माछो कोन करछो आर्थिक उपार्जन के लिए काजू के बगीचे भी दिए गए हैं। काजू जैसे महंगे सूखे मेवे को व्यापारियों को बेचकर अच्छा लाभ कमा लेते हैं। सर्वप्रथम ये जंगलों को काटकर तथा जलाकर झूम चास यानी अस्थाई खेती करते थे, पर सरकार द्वारा मिली जमीन पर स्थायी खेती करने लगे हैं। रस्सी बनाने के लिए 100 एकड़ भूमि में सीसल लगाए गए हैं। सीसल से बनाई गई रस्सी काफी टिकाऊ और मजबूत होती है। हिलखड़िया मनकड़िया विकास संस्थान जसीपुर ने मनकड़िया के 46 परिवारों को घर बना कर दिए हैं। कृषि हेतु 46 परिवारों को जमीन दी गई है। मंकड़िया का जो विकास के लिए उनके लिए प्रोजेक्ट है और उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच उनका खेती से लेके आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, जाने आने के लिए सुविधा, बाकी उनका टाइम में कैसे उनका सांस्कृतिक विकास होगा उसके लिए भी ध्यान दिया गया है। अपने उठलूस जीवन में बस इनका एक ही सपना था कि किसी भी तरह दो वक्त की रोटी मिल सके, पर जागी जीवन में इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर और सरकार के सहयोग से उन सपनों को साकार बनाया है। अभी अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलवाने लगे हैं। सरकार बिरहोर के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए हर प्रकार की मदद पहुंचा रही है, ताकि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर भारत देश के विकास में अपना सहयोग दे सकें। अब वो दिन दूर नहीं जब ये भी अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह आसमान की गहराई को नाप सकेंगे और विकास की ऊंचाइयों को छू सकेंगे।